नवाज शरीफ का स्टेटस मफरूर मुजरिम का है। बरतानिया को बता दिया कि नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद हो चुकी। दो मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम लंदन की सड़कों पर घूम रहा है। ये निजाम के मुंह पर बड़ा तमाचा है। इनका इलाज तो दूर के बाद एक टीका भी नहीं लगा। इन्हें वापस लाने के लिए तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ के जमानत से भी पूछगछ होगी। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है कि वो नवाज शरीफ को वापस लाए। मुशीर दाखला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनी लॉन्ड्रिंग तमाम जराइम की माँ है। अपोजिशन NRO प्लस प्लस मांग रही है जो हुकूमत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का मातहत अदलिया की खातीन जजेस से मुतल्लिक बड़ा इकदाम। सेशन कोर्ट्स में खातीन जजेस के लिए डे केयर सेंटर बनाने का फैसला खातीन जजेस की मुश्किलात को आने वाले वक्तों में मजीद कम करेंगे। खातीन जजेस मेरिट और बिला खौफ व खतर फैसले कर रही हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान। कस्टम हुकाम की भगतपुरा में बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपये मालियत की इंडियन जड़ी बूटियां, हर्बल अद्वियात और मेवा जात तहवील में ले लिए। समगलशुदा सामान आतिब भट्ट नामी शख्स के गोदाम में छापे के दौरान पकड़ा गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। एयरपोर्ट पर पार्सल से लाखों रुपये की हीरोइन बरामद। और एप्टामा इंतखाबात, गोहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप। 11वीं साल भी बिला मुकाबला मुंतखब। अब्दुल रहीम चेयरमैन एप्टामा पंजाब और आमिर शेख सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब। ग्रुप लीडर गोहर एजाज का कहना है कि हुकूमत टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी दे। 100 से जायद नए कारखाने लगने को तैयार हैं। 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाइपलाइन में है। बरामदात में 6 अरब डॉलर का इजाफा होगा।